हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट मसाला भिंडी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है। बिना लहसुन प्याज की भिंडी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम भिंडी को कुछ इस तरह से कट कर लेंगे। साइड के हिस्सों को हम कट करके निकाल देंगे और बीच से हम इतना बड़ा पोर्शन कट कर लेंगे और कुछ इस तरह से भिंडी को ऐसे कट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से। एक आपको और कट करके दिखा देते हैं। इस तरह से साइड के पोर्शन निकालने हैं और इस तरह से भिंडी को कट कर लेना है और यहाँ से बीच से कट लगा देना है, इस तरह से, इस तरह से। चलिए सारी भिंडियों को हम कट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ देखिए, सारी भिंडियों को हमने अच्छे से कट कर लिया है सभी को। और यहाँ लिया है एक पैन। पैन में हम डालेंगे करीब 2 चम्मच ऑयल। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है और 2 चम्मच से भी कम डालेंगे ऑयल। और इसको हम गर्म कर लेंगे और ये झटपट से भिंडियाँ बन जाती हैं, थोड़ा सा ही गरम करके। अब हम सारी भिंडी इसी में डाल देंगे। इस तरह से, और थोड़ा सा हम इसको ऐसे चला देंगे कि सारे में ऑयल हो जाए, इस तरह से। और इसमें हम लेट लगा देंगे और करीब 5 मिनट हम इसको पका लेंगे। मीडियम साइज में हम, मतलब मीडियम आंच में हम इसको पकाएंगे। मात्र 5 मिनट हम इसको पकाएंगे, फिर आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ देखिए, हमने 5 मिनट इसको, भिंडी को पका लिया है। अब हम इनको, भिंडियों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारी भिंडी निकाल लेंगे हम। और यहाँ देखिए, हमने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो हमने बारीक कट किए हैं टमाटर, और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। यकीन मानिए, बहुत ही झटपट से भिंडी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और इसी में हम डाल देंगे ये नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद हो उतना नमक आप डाल लीजिए। और इसी में हम डालते हैं थोड़ा सा दही, करीब 2 चम्मच, और दही को इसी टमाटर में हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और अच्छे से पका लेंगे। टमाटर को हल्के से गला लेंगे। अब हम इसी में डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ही मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा तीखा कम तीखा पसंद हो। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं गरम मसाला थोड़ा सा। और अब हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देते हैं। अब हम इसी में डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और पानी को डालने के बाद इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसी में ये सारी भिंडियाँ डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये झटपट से बनने वाली मसाला रेसिपी, मसाला भिंडी रेसिपी है। आप लोग भी जरूर बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। बिना लहसुन प्याज के ये भिंडी बनकर तैयार होती है। और इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें लिड लगा देंगे और
करीब 5 मिनट फिर से हम इसको पका लेंगे ताकि जो भिंडियां हैं ये मसाला एब्जॉर्ब कर लें। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए मसाला भिंडी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। झटपट से बनने वाली ये मसाला भिंडी बिना लहसुन प्याज के। अब हम इसको पहले गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम सर्व कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है मसाला भिंडी। ये देख सकते हैं आप, नवरात्रि के अवसर पर ये आप बिना लहसुन प्याज का खाना बनाकर उसी में भिंडी बनाकर खा सकते हैं। और यहाँ देखिए मसाला भिंडी बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरह आप भी बनाइए और खाइए और बिना लहसुन प्याज के टेस्टी भिंडी बनाकर मज़े से खाइए। अगर ये हमारी रेसिपी इंस्टेंट मसाला भिंडी की आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।